मंच पर मौजूद आज के इस रैली की अध्यक्षता कर रहे हैं झारखंड के किंवदंती नेता शिबू सोरेन जी, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी, मंच पर मौजूद इंडिया गठबंधन के तमाम नेतृत्वकारी साथियों और मैदान में उपस्थित झारखंड के हर कोने से संघर्षशील साथियों, आप सबको जोहार, जय भीम, लाल सलाम। आपने नारा दिया है झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं, हम सबका ये नारा है। हमें मालूम है कि झारखंड को झुकाने की ये जो कोशिश है, झारखंड को सताने की जो साजिश है, ये नई नहीं है, बहुत पुरानी है। जब से नया राज्य बना है तब से हम इसको झेलते आए हैं। आप याद करें वो दौर जब झारखंड अलग राज्य बना, अगर भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस का बस चलता तो झारखंड का नाम ही बिगाड़ करके रख देते और इस प्रदेश का नाम कर देते वनांचल। ये तो झारखंड आंदोलन की देन है, शहीदों की देन है, ताकत है कि नाम नहीं बिगाड़ पाए लेकिन काम बिगाड़ने की कोशिश शुरू से जारी है। आप याद करें वो दौर जब नया राज्य बना और पूरे राज्य में खुशी का माहौल होना चाहिए था, लेकिन नया राज्य बनने के तुरंत बाद ईद के मौके पर इसी रांची के डोरंडा में गोली चलती है। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में झारखंड में पुलिस राज थोपने की पूरी कोशिश होती है। तपकरा में कोयलकारों को लेकर के आंदोलन कर रहे आदिवासी भाई बहनों पर गोली चलती है, आपके कोडरमा के मरकच्चों में गोली चलती है। और वो दौर आगे बढ़ते बढ़ते 2005 के जनवरी महीने में झारखंड के नवनिर्माण के नायक कॉमरेड महेंद्र सिंह, उनकी हत्या हो जाती है। अगर हाल के दिनों को भी हम याद करें, 2014 से लेकर 2019 तक जब झारखंड डबल इंजन की मार झेल रहा था, उस दौर को अगर आप याद करें, यही पूरे झारखंड का इलाका है। पांचवी अनुसूची को लेकर के हमारे साथी पत्थलगड़ी का आंदोलन कर रहे थे और हमने देखा कि धड़ल्ले से सीडिशन एक्ट के तहत झारखंड के आदिवासियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। हमने देखा कि फादर स्टैन स्वामी, जो झारखंड से लेकर के पूरे देश में आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई, उसकी आवाज को बुलंद कर रहे थे, जेल में बंद आदिवासी कैदियों के रिहाई की आवाज बुलंद कर रहे थे, उनको उठा करके इस रांची से पुणे के जेल में डाला गया और पुणे के जेल में ही फादर स्टैन स्वामी शहीद हो गए। और ये वही दमन का दौर है जो आगे बढ़ते बढ़ते आप बिल्कुल चुनाव के मौसम में हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया। यही हमने दिल्ली में भी देखा। दिल्ली के अंदर भी जेएनयू को बर्बाद करने की, बदनाम करने की पूरी कोशिश हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों को जेल में डाल दिया गया। दिल्ली दंगे के झूठे मुकदमे में उमर खालिद से लेकर के कितने सारे नौजवान नेताओं को जेल में डाला गया। और ये दमन आगे बढ़ते बढ़ते अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में डाला गया। तो आज इस दमन के खिलाफ ये जो लोकतंत्र पर तानाशाही का हमला है, पूरे विपक्ष मुक्त लोकतंत्र बनाने की जो साजिश है, इस साजिश के खिलाफ हम लोग यहां एकजुट हुए हैं। और मुझे बिल्कुल लगता है चुनाव शुरू हो चुका है, जो पहले चरण की रिपोर्ट है, 400 पार के गुब्बारे की काफी हवा लोगों ने निकाल दिया पहले ही चरण में, और जैसे जैसे यह चुनाव आगे बढ़ेगा बिल्कुल तय है इस बार इस तानाशाही को मिटा के और इंडिया गठबंधन को विजयी बना करके, इंडिया की सरकार बना करके हम लोग दम लेंगे। ये हिंदुस्तान का संकल्प है और झारखंड से इस आवाज को बुलंद करने हम यहां आए हैं। साथियों, पूरे देश का सबसे बड़ा इस समय का मुद्दा रोजगार। अभी एक सर्वेक्षण हुआ, लोगों से पूछा गया कि आपके मन में सबसे बड़ी चिंता क्या है। 27% लोगों ने कहा बेरोजगारी, 23% लोगों ने कहा महंगाई, आधे लोग 50% ने कहा रोजगार और महंगाई। इस समय हमारे लिए सबसे बड़े सवाल है। इसी झारखंड से सबसे ज्यादा पलायन होता है। कहने के लिए झारखंड हमारा औद्योगिक प्रदेश है, इसी रांची में एचईसी है, लेकिन जिस समय यहां से हमने देखा कि हम चांद में भेज रहे हैं सैटेलाइट,
और उस समय हमारे एचईसी के इंजीनियर बता रहे हैं कि हमें पैसा नहीं मिल रहा, इस एचईसी के साथ ही हमारे यहाँ तख्ती लेकर के आए हैं। इसी झारखंड में हमारा पूरा कोयला उद्योग बीसीसीएल ईसीएल सीसीएल आज पूरा फिर एक बार निजीकरण की मार झेल रहे हैं, आउटसोर्सिंग की मार झेल रहे हैं। इसी झारखंड में बोकारो जमशेदपुर और पूरे झारखंड में इस समय औद्योगिक मजदूर परेशान है। निजीकरण की जो मार हम झेल रहे हैं देश में बेरोजगारी पैदा कर रही है, और इसीलिए इस निजीकरण के खिलाफ रोजगार के लिए रोजगार के पूरे अधिकार के लिए आज पूरे देश में अग्निवीर ला करके हमारे सेना को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। नौजवानों की पक्की नौकरी पाने का जो अधिकार है हमें खुशी है। बिहार में कुछ समय के लिए महागठबंधन की सरकार बनी और करीब 5 लाख लोगों को पक्की नौकरी बिहार के अंदर देने का काम किया गया, और झारखंड के अंदर भी यही काम आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस बार का चुनाव हिंदुस्तान के अंदर रोजगार के अधिकार को हासिल करने के लिए हिंदुस्तान के नौजवानों का चुनाव है। ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। अभी हमने देखा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, बंगाल में गए थे वहां जाकर के कह रहे हैं कि 10 साल से जो आप देख रहे हैं ये ट्रेलर है, असली पिक्चर बाकी है। एक जगह कहीं जाकर के कह रहे थे कि अभी तो 10 साल में हमने सिर्फ स्टार्टर परोसा है, जो मेन कोर्स है भोजन का वो आना बाकी है। ये मेन कोर्स क्या है, ये असली पिक्चर क्या है, ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के आनंद कुमार हेगड़े हो, ये अयोध्या के लल्लू सिंह हो, ये मेरठ वाले अरुण गोविल हो, या ज्योति मिर्धा हो, एक के बाद एक भाजपा के नेता बता दे रहे हैं कि ये असली पिक्चर है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और मोदी जी ने कहा गारंटी देते हुए कि बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएंगे तो इस संविधान को खत्म नहीं कर पाएंगे। भला बाबा साहब संविधान को खत्म करने के लिए क्यों आएंगे? अगर आपको संविधान खत्म करने वाला का नाम लेना था तो आपको गोलवालकर का नाम आना चाहिए था, कहना चाहिए था कि गुरु गोलवालकर भी आकर के संविधान खत्म नहीं कर सकते। तो बाबा साहब के विचार हमारे बीच में है, और संविधान को संविधान विरोधी ताकतों के चंगुल से आजाद करने के लिए बाबा साहब के विचार, भगत सिंह के विचार, इस देश के अंदर आजादी के आंदोलन के तमाम विचार हमारे बीच में है। इंडिया गठबंधन इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आजादी, लोकतंत्र और इस देश का संविधान, जिस संविधान के तहत इस मुल्क को आगे बढ़ना है उसकी हिफाजत करने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। हम आपसे अपील करेंगे कि इस बार के चुनाव में बिहार और झारखंड को पूरी तरह से बदल दीजिए, 2014-2019 के रिजल्ट को पलट दीजिए, 2004 को वापस ले आइए फिर एक बार, और अब की बार 2004 झारखंड में भी आपके सामने लोकसभा के चुनाव है। और मुझे मालूम है गांडे से कल्पना जी को उपचुनाव में भी लड़ना है, ठीक जैसे बिहार में भी अगियाओं से हमारे दलित साथी विधायक को उनकी सदस्यता खारिज कर दी गई, हमें भी एक उपचुनाव लड़ना है। ये दोनों उपचुनाव में और पूरे चुनाव में इंडिया गठबंधन को भारी रूप से विजयी बनाए, एक एक वोट दे करके तानाशाही पर चोट कीजिए, एक एक वोट दे करके लोकतंत्र की हिफाजत कीजिए, संविधान को मजबूत बनाइए, मुल्क को मजबूत बनाइए, इंडिया गठबंधन को विजयी बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार, जय भीम, लाल सलाम।